नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज गुलाब के केयर के ऊपर बात करूंगी। जैसा कि गर्मियां चलने लग गई हैं, अब इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, फ्लावरिंग कर रहे हैं और सारे फूल जो हैं इसके स्पेंड हो चुके हैं। तो मैं फूल तो निकालूंगी और साथ में मतलब कुछ बातें भी आप लोगों से शेयर करूंगी इनके केयर के बारे में। तो ये देखिए, मैंने प्रूनर ले लिया है और इसको मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से, ताकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना लग रहे, जिससे हमारे प्लांट को कोई मतलब नुकसान पहुंचे। तो इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और इससे मैं प्रून करती रहूँगी। ये देखिए, ये डीप प्रूनिंग नहीं करनी है और सारे जो स्पेंड फ्लावर हैं उसको निकाल देना है। इस पर फूल ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, ताकि ये अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे, फूलों को बचाने में या उनको खिलाने पर ना ध्यान दे। क्योंकि इस समय जिस हिसाब से इतनी गर्मी हो रही है, इस समय इसको ये बच जाए, अपने आप को सर्वाइव कर ले जाए इस गर्मी में, यही बहुत है। ये देखिए, और हाँ, प्रून करने के बाद जो है इस पर फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। फंजीसाइड का स्प्रे शाम को करिएगा, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ धूप है। बहुत तेज़ धूप होने की वजह से उसको नुकसान भी पहुँच सकता है। इस तरह से देखिए, सारे इसको प्रून कर लीजिए। हाँ, अपना प्रूनर जो है काफ़ी शार्प रखिएगा, थोड़ा सा कट करने में थोड़ा सुविधा हो। ये देखिए, और सूखी सूखी पत्तियाँ भी हटा दें, सूखे स्टेम भी हटा दें। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अंग्रेजी गुलाब को तो बिल्कुल भी मतलब डीप प्रूनिंग इस समय मत करिएगा। ये देखिए, फूल भी इसके कैसे आ रहे हैं बिल्कुल। और हाँ, जहाँ ये प्रून किया है आपने, इस जगह पे हल्दी का पाउडर लगा दीजिए, चाहे नेल पेंट से इसे लॉक कर दीजिए। इस समय इंसेक्ट और बैक्टीरिया जो है काफ़ी अटैक कर रहे हैं। तो इस समय क्या है, गुलाब थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट है भी, तो ये ज़्यादा मतलब प्रभावित हो सकता है। और इसको क्या करते हैं कि, और इसको फ्रेंड लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, जैसे नाइट्रोजन जिसमें ज़्यादा हो, जैसे गोबर की खाद वगैरह हो, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो इसकी पानी की भी जो प्रॉब्लम वो रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, वो पूरी होती रहेगी और इसको फर्टिलाइज़र भी मिलता रहेगा। कब तक देंगे? 15 जून तक देंगे। 15 जून के बाद मानसून आने लग जाता है और फिर उसके बाद जो है बरसातें इतनी होती हैं कि लिक्विड फर्टिलाइज़र फिर देने का कोई मतलब नहीं होता है, वो बह जाएगा फिर पानी से। तो गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाहे वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है आप बनाकर इसको दीजिए और प्लांट जो है आपका चलता रहेगा। हाँ, कोई ऐसी खाद ना दे कि पौधा स्ट्रेस में आ जाए और फूल खिलाने पे मजबूर हो जाए। इस समय इसकी एनर्जी को बचा के रखना है और इतनी गर्मी में इसको सर्वाइव करने के लिए। मेरा जो प्लांट है ये पूरा दिन धूप में पड़ा रहता है, कोई ग्रीन नेट वगैरह कोई कुछ नहीं। और हाँ, इसमें जो है पानी मतलब जो मॉइस्चर है इसकी जड़ों में बनाए रखिए, ताकि इसको गर्मी ना लगे, धूप मतलब बचा रहे गर्मी से। और पानी का जैसे पानी डालते रहिए, और दिन में सुबह में क्या करिए, इसको थोड़ा सा हल्का सा स्प्रे कर दीजिए इसकी पत्तियों के ऊपर, ताकि दिन भर की गर्मी से ये लड़ सके। और इसकी जड़ों में मल्चिंग कर दीजिए, जैसे सूखी पत्तियां हुई या आपकी, और जैसे आजकल बहुत सूखी पत्तियां जाती हैं तो उसमें मल्चिंग कर सकते हैं। और धान की भूसी जो होती है, राइस हस्क जिसे कहते हैं, उसकी भी मल्चिंग कर सकते हैं आप। और कोको पीट वगैरह हो उससे भी मल्चिंग कर दीजिए, बर्मी कंपोस्ट है उससे मल्चिंग कर दीजिए, या फिर कोई अगर घास वगैरह जमी है इसके नीचे तो उसे मत निकालिए, ताकि उससे जो है इसको नमी मिलता रहे और ये घास, ये जो मिट्टी है उसकी ढकी रहे इस गुलाब की, ताकि ये इसकी जड़ें सुरक्षित रहे, इनको धूप ना लगे, गर्मी ना लगे। और पानी भी जो हम लोग डालते हैं तो उसमें नमी बनी रहे। तो इस समय क्या है कि इसकी जड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जड़ों में धूप लगी या गर्मी लगा तो ये क्या है कि जड़ें जो है जलने की मतलब जल सकती हैं। अच्छा, लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैंने जो कहा कि आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, तो जैसे 10 लीटर पानी का लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो आप, सॉरी, 1 लीटर पानी का लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो उसे 10 या 12 या 15 भी हो सकता है, तो इतना पतला घोल मतलब बना के दीजिए। पतला होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है तो वो पौधों को जला भी सकता है। और एक तो गर्मी, ऊपर से उसे गाढ़ा घोल बना के देंगे तो नाइट्रोजन से इसकी जड़ें जो है जल जाएंगे, और जड़ें जल जाएंगे तो पौधा मतलब ऑटोमेटिक ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको काफ़ी पतला घोल बना के दीजिए। और आप सीवीड का फर्टिलाइज़र जो होता है, सीवीड जो होता है उसको फोलेज स्प्रे भी कर दीजिए, जो लिक्विड वाला होता है, फोलेज स्प्रे कर दीजिए और पानी में मिलाकर भी आप इस प्लांट को दे सकते हैं। और इसकी सूखी पत्तियों को, सूखी डंडियों को आप हटाते रहिए, ताकि ये अपनी एनर्जी जो है उनको बचाने में ना लगाए, अपने आप को बचाने में लगाए, जो पौधा है अपने आप को बचाने में लगाए। देखिए, इसमें नए नए शूट्स भी आ रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से।
और अगर इसमें सकर्स वगैरह निकलते हैं तो सकर्स को भी निकाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि वो जो होता है ये मिट्टी की एनर्जी काफ़ी खींच लेते हैं या पौधे की एनर्जी को भी काफ़ी ले लेते हैं और पौधा हमारा इससे भी डेड हो सकता है। तो इसलिए सकर्स जो निकलते हैं इसके नीचे से, सकर्स मतलब जंगली प्लांट जो निकलते हैं, तो उसको आप निकालते रहिए। अच्छा, गोबर की खाद जो है, गोबर की खाद या कोई भी खाद अगर आप देते हैं, जैसे गोबर की खाद या बोन मील वगैरह या कुछ भी दे रहे हैं, तो उसको ड्राई फॉर्म में मत दीजिए। ड्राई फॉर्म में देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको लिक्विड फॉर्म में इसीलिए बोल रही हूँ कि ये पौधा जो है पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, उसे फर्टिलाइज़र भी मिलता रहेगा और अपनी ग्रोथ ये करते रहेगा, या फिर अपने आप को इतनी तेज़ धूप में सर्वाइव करने में मतलब इसको सर्वाइव करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन अगर वही हम ड्राई फॉर्म में देते, जैसे कि एक ले लीजिए गोबर की खाद वगैरह या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, अगर ड्राई फॉर्म में देंगे तो क्या होता है कि उसको डिकम्पोस्ट होने में 1 महीना लग जाएगा, और 1 महीने बाद आपका सब बरसात का मौसम आ जाएगा, तो बरसात में क्या होता है कि फिर बारिशें होने लग जाएंगी और वो जो है पानी सब बह जाएगा बरसात के उसमें, और बरसात का जो पानी होता है वो अपने आप में एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, तो उससे देने से फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइज़र आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का देंगे तो पौधे को तुरंत का तुरंत मिल जाएगा और आपका प्लांट जो है हेल्दी बना रहेगा, अपने आप को इतनी गर्मी में सर्वाइव कर ले जाएगा और इसके जो नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ और शाम को मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे दूँगी और इसमें फंगीसाइड का स्प्रे भी कर दूँगी। अगर कोई फंगीसाइड वगैरह ना हो आपके पास, आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे कैसे बनेगा या उसका इंसेक्टीसाइड या फंगीसाइड जो इंसेक्टीसाइड कैसे बनेगा वो मैंने अपनी वीडियो में डाल रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो सर्च कर लें और देख लें। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आप गोबर की लिक्विड फर्टिलाइज़र भी गोबर की खाद का दे सकते हैं। फिलहाल मैं उपले की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। ये देखिए जो उपले होते हैं उसका भी आप बना सकते हैं, ये भी एक ठंडी खाद मानी जाती है, और इसको मैं 10 या 15 लीटर के पानी में मिला के सारे पौधों को मैं डाल दूँगी, खासतौर से गुलाब के मतलब फूल को। ये देखिए प्लांट में, सॉरी गुलाब के प्लांट में, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पूरी तरह से दिखा, और जो ये बचेगा मैं फिर से इसमें पानी डाल दूँगी और फिर से ये लिक्विड जो खाद है ये फिर तैयार होने लग जाएगी। कम से कम इसे 3-4 दिन तक रखिए, अपने आप में ये अच्छा एक फर्टिलाइज़र बन जाएगा। ये देखिए इसमें लोहे की मैंने छड़ भी डाल रखी है ताकि आयरन की भी जो कमी हो वो पूरी होती रहेगी। ये देखिए बाकी इतनी तेज़ धूप में मेरे सभी प्लांट ठीक ठाक से चल रहे हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, ग्रीन बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स सब अच्छे चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। बहुत तेज़ धूप हो रही है।